मैं इस दुखद घटना के अंदर उस परिवार से मिलने आया हूं जिस परिवार से रिश्ता नाता राजनीतिक पार्टी का लाभ व्यक्तिगत तौर पर बरसों का रहा है। जो घटना हुई हृदय विदारक घटना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंशिक सहायता हम लोगों ने दी है 4 लाख का। राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इन्होंने आज राज्य सरकार से कुछ मांगों के बारे में कुछ बातें लिखकर मुझे दी है। इसके अलावा परिवार के लोगों के मन में आशंका है, सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है, जो कथित सुसाइड नोट जिसके माध्यम से कहा गया कि उन्होंने उनको फसल बर्बाद होने के कारण पिता ने घर से निकाल रखा था, वो असत्य है। पिता के मन में इस बात की गहरी वेदना है कि जिस लड़के को वो प्यार करते थे, अपना मानते थे, जो एक दिन पहले ये कहकर गया था और इस पूरी घटना से एक घंटे पहले अपनी बहन से ये बात कर रहा है कि वो शाम तक पहुंच रहा है, 3 बार अपने छोटे भाई से बात कर रहा है, तो इन सारी बातों के लिए इन सब लोगों ने कहा कि हम इस चाहते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हो। कौन सी ऐसी परिस्थिति जन्य हुआ था जिसके कारण से इस आत्महत्या के कारण से वो इस पूरा ये घटना घटित हुई। मैं समझता हूं कि मैं कोई सियासत करने ना तो भारतीय जनता पार्टी है ना हम लोग आए हैं, हम संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं और ये सियासत का कोई मंच भी नहीं कि हम किसी मृतक की बात पर सियासत करें। परंतु जो अनुत्तरित सवाल परिवार के लोगों के मन में है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर निश्चित तौर पर हम उस पर बात करेंगे। इस परिवार से बहुत रिश्ता नाता रहा है, आज का नहीं बरसों पुराना है, वो फिर भी रहेगा और इसके दुख सुख में हम पहले भी साथी थे, आगे भी साथ रहेंगे। इनकी जो भावनाएं हैं कि भाई जो भी अब मुआवजा किसानों का है वो मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार ने 1100 करोड़ SDRF में जारी किए हैं और मैं समझता हूं कि इनकी भावनाओं का सम्मान भी हम करेंगे, जो भी बन सकेगा सरकार करेगी। उन्होंने सबसे पहले बात तो की कि जिस परिस्थिति के अंदर सुसाइड नोट और उसके बाद आत्महत्या की बात कही गई उससे हमारे को आघात लगा है। ये कहना कि पिता और पुत्र में पिता ने घर से निकाल दिया ये सत्य बात है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराओ, एक तो उन्होंने ये मांग की है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये घटना हो गई चूँकि परिवार एक सामान्य परिवार है इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए, तो वो मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कही वो एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, चूँकि परिवार हमसे जुड़ा है इसलिए वैसे भी हम उनके दुख सुख के साथ ही हैं, पर फिर भी जो भी बातें इन्होंने कही उस बात पर हम विचार करेंगे।